टीवी फॉर यू तो मैं वसीम रजा बुलदान तो मुखातब हाँ तो गुरप्रीत सिंह जी साडे नाल मौजूद ने जिहड़ा सैकेंड एग्जैक्टिव ईयर ये हो रहा है टूरनामेंट इत्थे उहदे च शामिल ने किस टीम की तरफों शामिल ने तो इन्हों की अज परफॉर्मेंस कैसी रही जरा ये बारे इन्हों गल करने गुरप्रीत सिंह जी वेलकम मैच के बच्चे कि टीम वालों खेलते हो तुम असं मैं तो मेरे ख्याल में खेल रहे हैं जो कह सकते हैं किसी का या पिंड असं उस इलाके मुंडे हैं जो कट्ठे करते हैं कट्ठे रहने अस बहुत जिला तो खेलते हैं क्रिकेट उस पिंड सारे मुंडे ना रहते ना घर ने तो असं फिर इंजॉयमेंट करते रहने। अच्छा जो सारे यार दोस्त ने वो सारे इंडिया तो नहीं मैं एक मेरा भाई है लाला जोड़ा मेरा वो अपा तो मैं तो मेरा भरा से इंडियन पंजाबी जोड़े बाकी सारे पाकिस्तान तो नहीं यानी एक मल्टी एथनिक टीम हो गई जिस सारे हर तरह के लोग हाँ जी हर तरह हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये तो तुसी बैट बॉल ऑलराउंडर थोड़ा अपने बारे दसो। हाँ जी मेरा जो जो पैशन है जो शुरू तू रहा वो मेरा बोलिंग का रहा क्योंकि मैं अपने भाई दे दे लाला साहब वो करांदे फास्ट बोलिंग क्योंकि मेरा उन्होंने दे दे के ना मैं बड़ा आया तो मेरा सिर्फ बोलिंग से ध्यान है। जारी रखा जो मेरा गोल है अगे कई साल जो ना जिन्ना। अच्छा बुलजानो दा इस वे सेमीफाइनल सिलसिला चल रहा है हाँ जी हाँ जी ताड़ी अपनी ते ताड़ी टीम दी अज परफॉर्मेंस की रही आई थिंक जी सेमीफाइनल चल रहा है आई थिंक सेमीफाइनल बहुत जी बॉलिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कह रहे हैं बहुत सुना रहा है क्योंकि ये पिच से इन्ना स्कोर लगना है ना वो भी इन्नी बैटिंग जी हो फिर आई थिंक बैट बॉलिंग डिपार्टमेंट अपने को पूरी 100% कोशिश की आई थिंक बहुत बहुत बढ़िया से बॉलिंग से बाकी डिपेंड करता बैटिंग जरा चेज होना है वो फिर बाद अच्छा तो जी टीम है अपनी मैं ऑर्गेनाइज करने पैसे भी चाहिए होंगे टाइम भी चाहिए होंगे लोग इंटरस्टिड है नहीं उस टीम। हाँ जी हाँ जी असं सू पहला खेलते एज ए लोकल टीम ना जमें कर लो कि 2 साल पहले हमारी टीम तो असं नॉर्मल खेलते जी ना मुंडे आदि कर तो हौली हौली आप खेलते रहे तो सूँ पता लगता रहा कि लोगों ने ना कि हमारी टीम है तो सूँ स्पॉन्सर मिल जाए हर साल स्पॉन्सर मिलते हैं कि हाँ जी भाई ये टीम अभी स्पॉन्सर करनी तो कोई टिकट लगाने तो हाँ जी एज अ टीम एज जरा यूनिटी ना बहुत सुनी रहा सब ना पता लगता रहा ना अच्छा जन्म सैमीफाइनल पुजे हैं छोटे जे क्लब तो आए हैं छोटे क्लब उत्ते आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया लगता है इकट्ठे। अच्छा तुम दूसरे शहर भी खेल जाते हो? हाँ जी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क नहीं अजय मुल्क पर नहीं जाते क्योंकि वो फिर वा सोना सैट लग जाएगा ना असं जाइए लेकिन असं जे वीकली वीकली टूरनामेंट होंगे लाइक मुंटी कैरी हो गया पेशा हो गया पादू हो गया मिलान हो गया ना पार्क हो गई असं इतने जाने हर हर वीकली ना। अच्छा गुरप्रीत जी तुहाडी बेस्ट परफॉर्मेंस कितनी सी? बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने याद नहीं लेकिन लास्ट ईयर जो असं इतने खेडन आए थे और पूरे टूरनामेंट आई थिंक मैंने मुझे लगा था मैंने पूरी अपनी कोशिश की थी और मुझे कोई भी बाउंड्री नहीं लगी थी उस टूर्नामेंट। अच्छा तो आई थिंक वो टूर्नामेंट मुझे कभी याद नहीं रहेगा इस यही ग्राउंड था और वो सुना ना मुझे लगा था वो लास्ट टूर्नामेंट। अच्छा इंडिया के लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे आपका पसंदीदा बॉलर कौन सा? पसंदीदा बॉलर एज अ प्रेजेंट या फिर कोई कोई भी कोई बॉलर ठीक है आप फील्ड बॉलिंग में तो गेस्ट है क्योंकि उसके पास स्विंग भी है पेस भी है वो अग्रेसिव हो तो मैं भी होना अग्रेसिव तो मुझे उसकी अग्रेसिविटी बहुत अच्छी लगती है। और मौजूदा इंडियन टीम में विश्व कुमार बहुत क्या वजह उसकी कूल क्या क्वालिटी है जो उसका ना वो मुझे नेचर बहुत कलर है नो हुकिंग नो ना सो अपने बॉलिंग को कंसंट्रेट करता है जब उसको मौका मिलता है आई थिंक वो परफॉर्म करता है सो आई थिंक मैं मेरा वो आई डी वाला इंडियन टीम में लेकिन ओवरऑल वो डेढ़ स्टेन है। तो आप इस लेवल से निकल के अगले लेवल तक उसी लेवल तक रब की मेहरबानी अगर जो करे लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेगी हम अगले लेवल पे जाएं सभी टीम जाए इकट्ठे होते जाएं लेकिन मेरा गोल यही मैं थोड़ा ऊँचे लेवल पे खेलूँ।
वेरी नाइस। नाज़रीन, गुरप्रीत हमारे साथ थे। बुलजानों में ये जो सालाना टूर्नामेंट हो रहा है, इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इनकी परफॉर्मेंस अपनी भी बहुत अच्छी थी। इनके अभी फाइनल में देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो गुरप्रीत से फिर हम इनके कमेंट्स और भी लेंगे। मैं रज़ा हुसैन बुलजानों से, इटली फॉर यू के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर।